अध्याय 17 महाकाल। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, उज्जैनी नगरी में एक शिव भक्त रहता था। वह सदैव भस्म धारण करके रुद्राक्ष पहन के शिव जी के नाम का स्मरण करता रहता था और उन्हीं की निष्काम भक्ति में डूबा रहता था। उस ब्राह्मण के 4 बेटे थे जिनके नाम इस तरह थे, देवप्रिय, प्रिय मेधा, सुकृत और धर्मवादी। ये 4 लड़के भी शिवजी के परम भक्त थे। उन्हीं दिनों दूषण नाम का एक असुर अत्यंत बलवान और तीनों लोगों को दुख देने वाला पैदा हुआ। वो अपनी पत्नी समेत रत्नमाल गिरी पर निवास करता था। उसने मेरी तपस्या करके अपार बलशाली होने का वरदान ले लिया। उसके बाद उसने अत्यंत अहंकार में भरकर सभी देवताओं को हरा डाला और उसी पर्वत पर रहकर तीनों लोकों पर राज्य करने लगा। उसने सब धर्म मिटाकर अनेक प्रकार के पाप फैला दिए और देवता, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण आदि को बहुत तकलीफ पहुंचाई। उस समय सब देवता और ऋषि मुनि मेरे पास आकर कहने लगे कि अब आप इस दैत्य से हमारी रक्षा का उपाय बताएं। मैंने उन्हें बताया कि मैंने उस दैत्य को वर दे दिया है, इसलिए मैं तो उसका अपकार नहीं कर सकता। हे नारद, इतना कहकर मैं सब देवताओं और मुनियों को लेकर शिव जी के पास गया। उन्हें दंडवत करके प्रार्थना की कि प्रभु, दूषण नामक दैत्य ने संसार में बहुत उपद्रव मचा रखा है। आप दैत्यों का नाश करने के लिए प्रसिद्ध हैं, इसलिए हम लोगों पर कृपा करें और उससे हमें बचाएं। हमारी प्रार्थना को सुनकर शिव जी ने कहा, देवताओं, तुम लोग अपने अपने घरों को जाओ, हम उस दैत्य का नाश जरूर कर देंगे। जब वह दैत्य हमारी उज्जैनी निवासी भक्त ब्राह्मण और उसके पुत्रों को कष्ट पहुंचाएगा, तब हम उसे मार डालेंगे। हे नारद, कुछ समय बाद शिवजी की माया से दूषण के मन में यह विचार आया कि मुझे शिव भक्तों और देवताओं को दुख देना चाहिए, तो वो एक विशाल सेना लेकर शिव भक्तों का वध करने के लिए उज्जैन आ पहुंचा, क्योंकि उसने यह सुना था कि उज्जैन में बहुत से शिव भक्त रहते हैं। वहां पहुंचकर उसने पुरी को 4 ओर से घेर लिया और सब लोगों को दुख देना शुरू किया। उसके उपद्रवों को देखकर जब लोग व्याकुल हो अपना घर छोड़कर भागने लगे, तो दैत्यों ने उन्हें पकड़ पकड़ कर मार डाला। उस दैत्य के उपद्रवों को देखकर शिवजी के भक्त अपने स्थान से हटकर बाहर नहीं निकले, क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि शिव जी हमारी सहायता और रक्षा करेंगे। यह देखकर वह दैत्य शिव भक्तों की जगह पर पहुंचा, उन्हें मार डालने के लिए अपने दैत्यों को आज्ञा देने लगा। शिव जी के भक्तों को उस समय भी कोई चिंता न हुई। तब शिव जी ने ऐसा चरित्र किया कि जिस स्थान पर शिव भक्त ब्राह्मण बैठे हुए पूजा कर रहे थे, उसके 4 ओर की धरती अचानक से फट गई और वहां एक भारी गड्ढा हो गया। उस समय धरती की फटने की ऐसी महाभयानक आवाज हुई जिसको सुनकर तीनों लोग कांप गए। उस दृश्य को देखकर भी दूषण को कोई चिंता न हुई और वह गड्ढे के भीतर घुसकर ब्राह्मणों के पास जा पहुंचा। उस समय शिवजी वहां प्रकट हुए और अत्यंत क्रोध में भरकर दूषण से ऐसा कहा, रे मूर्ख, हम अपने भक्तों के रक्षक हैं, हम महाकाल हैं, इसलिए उचित है कि अब तू अपने पांव आगे मत बढ़ाना। शिवजी के मुख से यह बात सुनकर दैत्य जब नहीं माना और कुछ आगे को बढ़ा, तो उस समय शिवजी ने एक जोर से हुंकार भरी जिससे महाभयानक अग्नि प्रकट हुई। दूषण अपने साथियों समेत उस अग्नि में जलकर भस्म हो गया। हे नारद, उस समय शिवजी के दर्शन पाकर वह ब्राह्मण अपने 4 पुत्रों समेत अत्यंत प्रसन्न हुआ और प्रार्थना करने लगा। देवताओं ने दुदुम्बी बजाई और आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। सब लोग उच्च स्वर में शिवजी की स्तुति करने लगे। उसके बाद उस ब्राह्मण ने शिवजी की प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु, आपने यहां प्रकट होकर अपने भक्तों को कृतार्थ कर दिया है। अब मेरी यह अभिलाषा है कि आप इस गर्त में गिरजा जी और अपने गणों के साथ स्थित हो जाएं। यह दूषण नामक दैत्य संसार के लिए काल स्वरूप था,
अतः आप उसको नष्ट करने वाले महाकाल हैं। आप इसी महाकाल नाम से संसार में प्रसिद्ध हो जाएं और आपकी पूजा करने वाले अपने सभी मनोरथों को पाएं। हे नारद, ब्राह्मण की इस प्रार्थना को शिव जी ने स्वीकार कर लिया। तब वे ब्राह्मण द्वारा स्थापित लिंग मूर्ति में अपने पूर्णांश द्वारा महाकाल नाम से स्थित हो गए। उस समय उस ब्राह्मण और उसके पुत्रों ने, मैंने, विष्णु जी ने और बाकी सब देवताओं और ऋषि मुनियों ने महाकाल ज्योतिर्लिंग की पूजा की।